हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तीन दबंगों ने युवती को अपनी हवस का शिकार बना डाला, मगर इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस घटना में पीड़िता का कथित प्रेमी भी शामिल बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मेडिकल परीक्षण के लिए बुलंदशहर जिला महिला अस्पताल लाई गई पीड़िता के साथ हुई हैवानियत की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। पीड़िता को न सिर्फ हवस का शिकार बनाया गया बल्कि उसके बाद उसे दिल्ली भी पहुंचा दिया गया। अगर पीड़िता की माने तो बीते 7 जनवरी को मोहल्ले के एक दबंग द्वारा पीड़िता को धोखे से अपने घर में बुलाया गया। इस दौरान आरोपी के घर में अन्य 3 लोग मौजूद थे। आरोप है कि जिस युवक ने पीड़िता को घर बुलाया वो घर से बाहर चला गया, जबकि घर में मौजूद 3 आरोपियों ने पीड़िता को बारी बारी से हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर 3 आरोपी फरार हो गए, जबकि जिस आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया था वो आरोपी पीड़िता को अपने साथ दिल्ली ले गया। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी ने पीड़िता को दिल्ली में जिस घर में रखा उस मकान मालिक द्वारा पीड़िता के परिजनों को जानकारी दी गई, जिसके बाद पीड़िता को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया गया। 4 लोग आने की बात में 4 को बुला के लेके गए बहाने से बुला के ले गए, घर पे लेके गए थे। घर पे ले जाने के बाद में एक लौंडा तो चला गया, वो 3 लौंडे वहाँ पर मौजूद थे। तीन लौंडों ने मेरे संग कर दिया था। उसके संग में एक लौंडा तो हाईवे पे चला गया, उसके संग में मुझे दिल्ली भेजा गया था। दिल्ली भेजने के बाद में 12 बजे हम वहाँ पर पहुँचे। 12 बजे के बाद में हमारे घर वालों को पता चली, लौंडे के चाचा घर पे ही लौंडिया वहाँ से हमारे घर वाले गए थे, हमें लेके आए, मुझे लेके आए थे। क्या नाम उन आरोपियों के? एक का नाम तो लिक्की था और एक का नाम राजा, एक का नाम मनोज और एक का नाम जानते नहीं, उसे शिकायत जानते तो ये विनीत 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 गोल कि पहले भी आपको परेशान करते हैं ये लोग? पहले नहीं, कम से कम 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। क्यों आए? मेरी बेटी 7 तारीख को लड़कों ने अगवा कर ली थी, उसको रेप किया 3 लड़कों ने, चौथा लड़का उसको दिल्ली लेके चला गया। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास कि भाई आपकी लड़की आ गई है यहाँ पर, तो हमने गाड़ी वाड़ी करी यहाँ से, तो उसको लेकर के आए। फिर हमने रात यानी कि 9 तारीख की रात को मुकदमा कायम किया है कोतवाली के भाई थाने में, और फिर हम उन्होंने लिख के भेजा है मेडिकल कराने के लिए, बस इसी पर्पज़ से आया। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया गया कि जिस युवक पर पीड़िता को अपने साथ दिल्ली ले जाने का आरोप है वो पीड़िता का प्रेमी है। पुलिस ने दावा किया कि जिन 3 लोगों ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है वो भी पीड़ित के कथित प्रेमी के ही परिचित हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पीड़िता को दिल्ली ले जाने वाला युवक पीड़िता का प्रेमी है तो फिर कथित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ अपने ही साथियों से हैवानियत क्यों कराई? देखिए, एक थोड़ा सा घुमावदार कहानी है। इसमें एक लड़की डिवाई थाना क्षेत्र की, जो लगभग 18 साल के आसपास जिसकी उम्र है, वो रात को 12:30 बजे उसके अनुसार वो अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ गई। वहाँ से फिर उसका आरोप यह है कि उसके बॉयफ्रेंड के 3 अन्य दोस्तों ने उसके साथ रेप किया। फिर वो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली चली गई, उसके घर पर 2 दिन रही और कल वापस आई। कल उसने एक मुकदमा दिखाया है, तहरीर दी है। हम उस पूरे प्रकरण की जांच करा रहे हैं, जिन लड़कों को नामित किया गया है उनकी क्या भूमिका है। और लड़की दिल्ली में थी और अपने बॉयफ्रेंड के घर पर थी, उसका नाम नहीं लिखाया है लड़की ने, तो एक गहन छानबीन का विषय है कि तथ्य क्या है। और जिन लोगों को नामजद किया गया है उनसे भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है कि जानकारी की जाए कि उनकी क्या भूमिका है। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर पीड़िता के मेडिकल के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की ओर से लगातार दबिश दी जा रही है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और कब तक पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाती है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।